What's up guys, welcome back to the vlog. मेरे vlog time पे आ गए थे, but exam time में फिर वही डाल नहीं पाया, फिर पीछे हो गए. खाने में क्या है भाई? बेठा भिंडी. आज इसमें वो डाल दूँ के बनाया. टमाटर. अरे उसी में गिर गया. हाँ. हमारी रात को बाहर ही रह गई थी. कहाँ है? निकाल दी. ला, मैं सोच रहा हूँ खाई लूँ खाना आज. जब लॉ की तैयारी कर रहे थे DULLB की, तो मतलब हमारे जो पढ़ाते थे, तो कहते थे बहुत बार कि जब ना बड़े बड़े जो अधिकारी भी होते हैं, सीनियर लेवल के IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, कहते थे जब वो जाते ना कोर्ट, तो जज उनको डांट लगा देता. हमें यकीन नहीं होता था. हमने कहा सर जज ऐसे कैसे डांट, मतलब IAS अगर अपने इलाके में दौरा करने चला जाए तो लोग भाई साहब लग गया तो लोग मतलब. लेकिन कहते हैं भाई जज के सामने जज डांट लगा देता यार. तो ये है पटना हाई कोर्ट का सीन. जज साहब बैठे हैं और ये जो देख रहे हैं SSP हैं ये. Yes. Why? The SSP is here. Sir. Why was the diary not sent despite the reminder by the court below? Sir, I'm very sorry, sir. My mistake, sir. Mm. What explanation have you given in your show cause reply? Sir, actually I have issued notice to the IO. When did you receive information from the court below to dispatch the copy of the diary? You or your officer? When did you receive that? I received that on 6th. Look here. I get some. Are you aware of the development in this case? Reminders to your office. The diary was not sent. Why should we allow you to function as superintendent of police? I'm sorry, sir. Why shouldn't you be prosecuted for contempt? This is what you have been doing. Sir, I'm sorry, sir. Actually, this. What is the explanation? Tell us. What is the explanation? Sir, and you can't keep your mask half covered. Either you cover your face or you remove the mask totally. Go and be careful in future. Sir, I'm sorry, sir. You can leave the court now. सुना काफ़ी था, आज देख भी लिया. मैं आपको बताता हूँ हमारे घर में होता क्या. मैं ऐसे एडिटिंग करता हूँ हेडफोन पहन के, तो मुझे थोड़ा सा साउंड कैंसिलेशन, नॉइज कैंसिलेशन कमरे में क्या पता नहीं चलता. मेरा फ़ोन यहाँ रखा रहता है, चुपके से आके मेरा फ़ोन पार कर लेती है ये, है ना. तो कहती है अरे पापा, अरे पापा, अरे पापा, अरे पापा, प्लीज पापा. क्या चाहिए? प्लीज पापा फोन दे दो. दे दो तो होता ही नहीं है. क्या होता है? प्लीज पापा फोन दे दो. दे दो तो होता ही नहीं है. फोन दे दो होता है कि लालो होता है? प्लीज पापा फोन लालो दे दो. पापा मैंने आपके लिए फोन भाई वो तो नहीं मैं खाऊंगी. आपके नाक पे आटा लगा हुआ है और हाथ पे भी आटा लगा हुआ है. दिखाओ कितनी बड़ी रोटी बनाई है. चलो आओ. मेरे लिए बनाई, मम्मा की बनाई है. आपके लिए भी मम्मा की. ऐसे लगा ये भी इसकी थाली भी लगा दो. ये रशी की रोटी है. हाँ. वाह. ये मम्मी के लिए बनाई है. नहीं ये छोटी वाली मम्मा का है. खेलने का मूड लगा पूरा. हाँ आओ चाट डर इनको. चाट डर. ओ बच्चा पार्टी क्या चल रहा है? अभी जा रहे हैं सोने के. एज यूजुअल हम सो तो नहीं पाए, हमने कहा उठ ही जाते काम कर लेते. तो पीहू भी खाएगी मैंगो. पीहू गिटार बजाएगा? गिटार ये देखो. लो लो बजा. एंजॉय. अरे वाह मम्मा चाय भी ले लो. यू देख रही है क्या पीते हैं ये लोग रोज शाम को यहाँ बैठ के. कुछ तो मजे लेते हैं और पीते हैं. वाह वाह मजा आ गया. वाह वाह मजा. आप यकीन नहीं मानोगे, आई एम लूजिंग, आई हैव लॉस्ट 10 times स्ट्रेट. फर्स्ट टाइम आई वन. पता क्या करती रहती, स्मार्ट हो गई. तो अब क्या करती जैसे किम्मे किम्मे ना थोड़ा सा मोटा रखी गई तू इसको. किम्मे मैं कहूँगा इसमें स्मार्ट हो गई है भाई. तुम्हें और ये मोटा रखती है इस वाले को. उठ जाओ भैया. चलो उठ गए उठ गए. क्या क्या करवाया आपने आज? आज तो मैंने नेल पेंट वेल पेंट सब लगाया. मैनीक्योर. तूने कहा था दीदी मैंने हरा सूट पर ऐसे हरा कर दो कि अगर लाल तो लाल करवा लेती. मम्मा आज पूरा पैंपर हुई है 4 घंटे का ना. मदर्स डे के लिए होगी क्या? यही लगा ले. लेकिन जब मेहंदी जब लगाते हो ना घोल बनाओ 3 घंटे रखो. जैसे मेरे भी मम्मा, मेरे तो छाती के बाल सफेद हो रहे हैं.
तो मैं छाती में मेहंदी कैसे लगाऊंगा? पता असल में मुझे नहीं पता, पर मेरे को 10th क्लास से हो गई थी। पता मैं जब स्कूल में जाता था ना, हो सकता है कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई शायद मैं गीले बालों में तेल लगाता था, स्ट्रेस हो, जेनेटिक्स हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे जब स्कूल में जाता था ना, तो मैंने पहले सोचा कि मैं बाल काट लूं, जो वाइट वाला है, मैंने काट लिया। थोड़े दिन बाद वो सारे ऐसे ऐसे खड़े हो गए, समझ रहे? फिर वो और दिखे। नहीं नहीं हो गया पूरा। आज रशि की टीचर आई थी पढ़ाने, रशि सो रही थी, टीचर वापस चली गई। आपकी गलती है कि पंखा और एसी दोनों चलाना है। पंखा बंद करो तो ऐसे चलाएंगे जैसे पता नहीं क्या। खुद ठंड लगे की नहाने जा रहा हूँ, शाम को 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। इसमें हैना है और कॉफी है। मुझे क्या लगता है, टाटा और अंबानी जो हमारे देश के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन है, अगर हमारा ब्लॉग देखते होंगे तो इस समय थर थर कांप रहे होंगे। पूछो क्यों? क्या मामा सब कुछ बना रहा है भाई, हम लोग पीछे ना रह जाओ 10 साल बाद। तो दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए मामा अर्थ ने। इसमें है ना शैम्पू, कंडीशनर और ऑयल भी आता है, लेकिन हर कोई यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको जैसे ग्रेनी आप यूज नहीं कर सकते, यू स्टिल कैन यूज इट। तो मेनली मामा अर्थ ने जो ये है ना शैम्पू लॉन्च किया है ना, इसमें है ना है और कॉफी है, तो जो मेनली आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर होते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है। और सबसे अच्छी बात यह है यार, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। हम हैना लगाते हैं ना तो काफ़ी अपने हेयर भी ड्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए इसमें कोकोनट ऑयल है और कॉफी है जो नरिश करता है आपके स्कैल्प को और हेयर को। इन दोनों सुपीरियर प्रोडक्ट का कोड है FLYINGBEAST2022 और लिंक है इनका डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट। एंड मामा अर्थ ने ऐप भी लॉन्च कर दिया, ऐप का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। तो रितु कर रही है शैम्पू, इसके शैम्पू में कॉफी है, मेरे शैम्पू में कॉफी नहीं है, इसलिए मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ, बना के करेंगे जिम। अभी इतना गुस्सा आया हुआ है ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ, ऋषि ने इतना गलत काम किया है। कहाँ पर है वो? अच्छा अच्छा रशि, स्टैंड अप, आप चलो मेरे साथ। आप मुझे ये बताओ, आप मम्मा से पूछ के आए थे, आपने मम्मा को बताया, पनिशमेंट मिलेगी रशु, स्टैंड अप, उठो आप। रोनी गिव मी योर हैंड, रशु दिस इज नॉट अलाउड, आपने आज बहुत गलत काम कर दिया आज, चलो। अभी तो पापा को पता नहीं है, पापा बताएंगे। तो एक बात बताओ रशु, आपने मम्मा से परमिशन ली थी? गिव मी योर हैंड, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते बेटा। रशु एक दिन क्या होगा, एक स्ट्रेंजर आएगा, वो आपके साथ खेलेगा खूब खुशी से, मजे से, प्यार से। मान लो स्ट्रेंजर के पास एक बच्चा भी है और वो बच्चा आपका फ्रेंड बन जाता है, तो आप क्या उस स्ट्रेंजर के साथ, उस बच्चे के साथ उसके घर चले जाओगे आंटी को दूर करके और उसे बिना बताए? वो स्ट्रेंजर ले जाएगा तुम्हें, कोई भी जगह हो, कुछ भी हो, आप मुझे बताए बिना नहीं जा सकते, आप अकेले नहीं जा सकते, आप छोटे बच्चे हो, कोई आपको दो थप्पड़ मार के ले जाएगा, बिना आंटी के आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक दिन कोई स्ट्रेंजर ले जाएगा, मम्मा पापा से दूर रहना फिर तुम। बिल्कुल बात ना करो, बिल्कुल बात तो मुझे नहीं करनी चाहिए आज आपसे। मत करो रशि बात, ऐसी बातों को मुझे भी आपसे बात नहीं मत करो। आज ज्यादा ही टेंशन होगी भाई, हज़ार टेंशन है, ऊपर से बच्चों की टेंशन। जब भी टेंशन होता है मैं तो भाई बाइक उठा के जिम करते रहता हूँ, बेस्ट टेंशन रिलीवर। सदा शिव बैंड भाई साहब इसी से बजवाएंगे यार, हमेशा सोचता हूँ इस रोड से नहीं आऊँगा, बहुत भसड़ होती है, लेकिन क्या करें। आज कम है भसड़, ऐसा क्यों? अरे यार सही में कम भसड़ है यार, ऐसा कैसे हो गया, हमको तो यकीन नहीं आ रहा भाई। पहचान कामयाबी की, कामयाबी की पहचान। अरे चलो ग्रीन हो गया अपना, चलो भैया सीना चौड़ा करके निकालो भाई, रुक जाओ। अरे भाई साहब सिगरेट फूकनी है इनको, ऐसे रास्ते में रोक दी, बताओ इतनी अच्छी रेस दे के निकाली स्पीड बना के। अरे भैया लेफ्ट कटने वालों को जान दिया करो ना यार, बस अड़ा दी, कोई नहीं रुको। अरे आज कट ही नहीं पाएंगे, शरीर कट जाएगा हमारा, लोग पूरी लेन ब्लॉक कर देते हैं बताओ। विदेशों में तो हैवी फाइन है भाई इस चीज़ का, और विदेशों में अगर सरकारी बस ऐसा कर देना तो ख़त्म है, प्राइवेट को तो फिर भी कम फाइन है। निकाल लो निकाल लो,
इतनी हाई भी मेरे को दिखता नहीं है भाई, लौंडे लोग भी दिख रहे हैं। इतनी पतली सड़क में गोल चक्कर बनाने की जगह निकाल ही ली इन्होंने। अब इस पार्क में इतना धुआं, सड़क में कौन खेलेगा, अब कौन बच्चे खेलेंगे। हमारे पुराने घर में भी एक पार्क था, तो मतलब ये बहुत पुरानी बात है, तो उस पार्क में दो चेयर लगी थी, दो चेयर, और उन चेयर में इतना बड़ा बड़ा लिखवाया था विधायक जी ने लगवाई हैं। अरे भैया विधायक जी ने तो लगवाई हैं, लेकिन पैसा तो जनता का ही है ना, तो एक्चुअली तो जनता ने लगवाई है। चलो भैया रुक जाना भैया, ग्रीन में कहाँ पहले जा रहे, ये देखो पहले जा रहे। अरे भैया, अरे लाल में कहाँ पहले जा रहे हो भैया, ग्रीन में नहीं रुकते हम, ग्रीन में हमें एटीट्यूड आया था, लाल में तो हम कुछ कहते नहीं है, वो ग्रीन में पाड़ लेते हैं। बच्चे 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 साइड साइड बेटा, साइड साइड साइड, गुलशन जूस कॉर्नर है, सही है, कॉर्नर में ही है। कुछ कुछ दुकानें बीच में होती हैं, नाम लोग कहते थे कॉर्नर, अगर कॉर्नर में है तो भाई ओके है, नहीं तो मैं तो कैसे ठोक दूंगा, कॉर्नर में नहीं है ना, बीच में दुकान है भाई। कल से सुबह सुबह जिम कर लेंगे, दर्शी को छोड़ने जाएंगे वहीं से जिम, लेकिन कल छुट्टी है स्कूल की, तो परसों से, सॉरी परसों से, इसीलिए तो दिक्कत है भाई। स्कूटर वाले ने क्या घुमाई है भाई, इसने कोई तो मेरा गुरु बन गया। अरे दैया, अरे भाई भैया कूड़े का पहाड़ देखो, माय गॉड, अरे भैया हिमालय पर्वत बन गया। तो बैक फ्रॉम द जिम, काफी अच्छा वर्कआउट हुआ। एनीवेज अभी जाते सोने, कल क्लास है, पहली क्लास सेकंड सेमेस्टर की। बाइक में थोड़ी खराबी आई, मैंने भैया कल मत लेके जाना, परसों लेके जाना। थोड़ी सी पढ़ाई कोशिश की थी करने की, कुछ समझ में तो आया नहीं। रश्मि मैडम ऑफिस में बैठे मेरे लैपटॉप में कुछ कुछ करती रहती, मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग का पूरा डेटा उड़ चुका है, मिल नहीं रहा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल जिसमें मैं सब कुछ अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखता हूँ, वो फाइल उड़ चुकी, वो फाइल मिल नहीं रही। एनीवेज कल सुबह रशि को मैं पहले स्कूल छोड़ूंगा, फिर अपने कॉलेज जाऊंगा, एंड सी यू टुमारो, बाय।